থ্যাংক ইউ সো মাচ কোয়েলি কোয়েলি আছি এখনো রাইট নাও আমি আছি সেন্ট্রাল পার্ক মেলা গ্রাউন্ডে রাইট নাও আমি আছি যাহা পে 44th কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার জো হ্যায় ও চল রাহা হ্যায় রাশিয়ান ন্যাশনাল স্ট্যান্ড মে ইস ওয়াক্ত হুঁ সিধা মুদ্দে পে আতা হুঁ হামারে সাথ ইস ওয়াক্ত হ্যায় নন আদার দ্যান জেএনইউ প্রফেসর সোনু সাইনি উনকে সাথ হামারি বাতে হোনে ওয়ালি হ্যায় জো প্রফেসর হ্যায় রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড রাশিয়ান লিটারেচার পড়াতে হ্যায় উনকে সাথ হামারি বাতে হোনে ওয়ালি হ্যায় বহুত হি প্রাউড মোমেন্ট হ্যায় হাম সবকে লিয়ে ক্যুঁকি আবি এক সেশন জো হ্যায় ও শুরু হোনে ওয়ালা হ্যায় সেশন মে ভি রহনে ওয়ালে হ্যায় লেকিন উসসে পহলে উনকে সাথ হামারি ফ্রেন্ডস এফএম পে বিলকুল লাইভ বাতে হোনে ওয়ালি হ্যায় সোনু স্যার আপকা বহুত বহুত স্বাগত হ্যায় 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম পে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়েল লাখো লাখ লোক আপকো ইস ওয়াক্ত সুন রহে হ্যায় লাখ লাখ লোক সুন রহে হ্যায় হামারে শো ফ্রেন্ডস আড্ডা মে অর বাতা দুঁ কি থোড়ি দের মে সেশন জো হ্যায় ও শুরু হোনে ওয়ালি কুছ ইস সেশন কে বারে মে কহনা চাহেঙ্গে আপ ভি ইস সেশন কা হিসসা হ্যায় ক্যুঁকি পোয়েট অ্যান্ড হিন্দি ট্রান্সলেটর অনিল জনবিজয় স্যার ইস সেশন মে রহনে ওয়ালে হ্যায় কুছ কহনা চাহেঙ্গে जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश जी और पहले तो मैं आपके सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ कि आप के साथ में जुड़े हैं और हमारे बारे में यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आप सभी को बता रहे हैं आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ जो ये मेला है पहली बार हो रहा है जिसमें रूस एक अतिथि देश के रूप में है और मैं कहूँगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस टू बी हियर जब हम शुरू में आए थे तो थोड़ा लगा कि शायद अभी बहुत कुछ प्रिपरेशन होना बाकी है बट धीरे धीरे शायद एक से दो दिन के बाद में हमें यहाँ ऐसा लगने लगा कि शायद इससे बेहतर मैनेजमेंट या इससे बेहतर मेला अभी तक हमने नहीं देखा है तो बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे सेशंस हैं यहाँ पर अनुवाद के बारे में बात हो रही हैं इनफैक्ट इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये ऑर्गेनाइज रशियन पवेलियन को कर रही है कल इन्होंने बताया है कि किस तरह से रूस से आप फंड्स और ग्रांट्स ले सकते हैं अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हमारे साथ में कई लोग जुड़े हैं जो अनुवादक के तौर पर जो रूसी से बांग्ला में अनुवाद करना चाहते हैं और आपके श्रोताओं के माध्यम से मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि अगर वो भी कुछ रूसी भाषा जानते हैं या सीख रहे हैं तो उनके लिए भी ये एक तरीके से एक रास्ता जो है खुल जाता है एक अपॉर्चुनिटी उनके पास में आ जाती है कि वे भी इस काम को कर सकते हैं जो कि घर बैठे कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं तो मुझे सर बताना चाहेंगे जैसे कि ऑफ ईयर जब हमारी बातें हो रही थी इससे पूरे अगर मेला की बातें करें यानी कि कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर की बातें करें दिल्ली बुक फेयर में भी आप गए थे आपने वहाँ पर भी देखा था कितना डिफरेंस देखा है कोलकाता बुक फेयर हमेशा से आन बान शान रही है कोलकाता की अगर कोलकाता बुक फेयर नहीं होता है देरी होती है तो हमें साल भर इंतजार रहता है इसे कि क्यों नहीं हो रहा है क्या हो रहा है तो कैसा लगा यहाँ पर आकर देखिए सबसे पहले तो मैं बात ये कहूँ कि जो मेन डिफरेंस है वो एक तो रीडर्स में है दिल्ली में जो रीडर्स हैं जो पाठक हैं वो अक्सर पढ़ना कम चाहते हैं और देखना ज़्यादा चाहते हैं तो उनके लिए घूमना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर यहाँ के लोगों को पढ़ना बहुत पसंद है ये चीज़ हमें बहुत पसंद आई कि एटलीस्ट कि यहाँ पढ़ने वाले लोग हैं और वहाँ पर किताब लेकर मैं कहूँ कि काफ़ी परसेंट किताब लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताब खरीद करके और अपने शेल्फ में रख देते हैं उनको अच्छा लगता है उनको अच्छा लगता है कि हाँ दिखाने के लिए कि हाँ देखिए मेरी जो है अलमारी भरी हुई है और मैं इतना पढ़ता हूँ और दूसरा फिर लगा मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस लगा कि वहाँ पर जो पवेलियन बने हुए हैं जो दिल्ली बुक फेयर के अंदर में प्रगति मैदान में जो बने वो उनका साइज़ बहुत छोटा है जो बने थे वो बहुत पहले कभी बने थे और आज के वक्त में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो जब हम वहाँ जाते हैं तो भीड़ बहुत होती है और आप आराम से खड़े होकर के देख नहीं सकते हैं अगर अक्सर ऐसा होता है आप एक स्टॉल पर खड़े हैं किताब लेकर के आप पता चला थोड़ी देर बाद दूसरे स्टॉल पर अपने आप ही पहुंच गए जी और यहाँ पर ऐसा नहीं यहाँ पर आपके साथ दो हॉल्स के बीच में भी जगह है इवन स्टॉल्स के बीच में भी खूब स्पेस है कि आप आराम से खड़े होकर पढ़ सकते हैं चुन सकते हैं कौन सी किताब आपने पढ़नी है और हर जगह एक बहुत अच्छे से मैनेजमेंट यहाँ पर दिखा वहाँ पर और भी एक और मैं खास अंतर बताऊँ वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन हो गया दिल्ली के अंदर में क्योंकि सब चीज़ें बहुत महंगी हैं वहाँ पर जैसे कि अगर रिफ्रेशमेंट कोई लेना चाहता है तो वहाँ ऐसे ऐसे दाम हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे कि जो चीज़ बाहर 20 रुपए की है तो वो वहाँ पर 200 की हो सकती है बट मैंने यहाँ वाले मेले में वो नहीं देखा टिकट नहीं है सबसे बड़ी बात है जिसका मतलब है कि यहाँ पर लोग प्रमोट करना चाहते हैं पढ़ने लिखने की बातों को एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं और इसी तरह से पढ़ने लिखने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलता है तो वो थोड़ा सा अभी दिल्ली के अंदर बिजनेस और कमर्शलाइजेशन जो हो रहा है वो यहाँ एक मेजर डिफरेंस बिल्कुल सोनू सर आप मेरे फेवरेट बन चुके हैं बहुत देर से हम ऑफिस बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ मैं चाहूँगा कि रूसी भाषा में आप कुछ कह दें क्योंकि सेशन जो है वो शुरू होने वाला है मुझे पता है किसी को समझ में नहीं आएगा लेकिन उसे फिर आप हिंदी में ट्रांसलेट भी कर देना सर 1 2 3 हियर वी गो अगर आप उनको इन्वाइट करना चाहें इस सेशन के लिए शुरू होने वाला है
मैं सभी अपने श्रोताओं और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा सभी श्रोताओं से कि प्लीज़ आइए और यहाँ पर आपको अनुवाद के बारे में, रूसी साहित्य के बारे में, रूसी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन भी है और यहाँ पर भी प्रोग्राम है, आप आकर के ले सकते हैं प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंगली आप सेशंस में आ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अभी एक हम एक रूस से एक टीचर आई हुई हैं जो कि एक बहुत खूबसूरत भी हैं और बहुत अच्छी हमारी टीचर हैं एक यूनिवर्सिटी में, वो यहाँ पर मुफ्त रूसी भी सिखा रहे हैं, तो उनके पास में अक्सर लोग काफ़ी भीड़ थी, मैंने भी देखा, काफ़ी उत्साह के साथ सीख रहे हैं, वो अपना नाम लिखना सीख रहे हैं, रूसी अल्फाबेट सीख रहे हैं, कुछ कुछ वाक्य सीख रहे हैं, बनाना सेंटेंसेस सीख रहे हैं। यानी यहाँ जो आएंगे वो कुछ ना कुछ सीख कर ही, बिल्कुल बहुत कुछ सीख कर, यहाँ यहाँ आना ही आप समझिए कि यहाँ पर अक्सर देख रहे हैं कि कई बार तो इतना हो रहा है कि रश की लाइन लग रही है आने के लिए, अक्सर जब भीड़ का वक्त होता है तो उस वक्त लाइन लग जाती है आने के लिए, और इतना खूबसूरत भी बना हुआ है तो हर कोई देखना चाहता है कि अंदर हो क्या रहा है, और जब आते हैं तो देखते हैं अरे मुफ्त में रूसी सीखने को मिल रहा है, तो वो एक इंट्रोडक्शन सोने पे सुहागा हो जाता है। और जो बात आपने कहा कि रूसी में कुछ भी कहते हैं सर, एक एक शब्द अपने श्रोताओं को सिखाना चाहूँगा जो बहुत आसान है सीखना, वो बिल्कुल कहें कि हिंदी से मिलता जुलता है, उसका मतलब है गुड मॉर्निंग, कि हम गुड मॉर्निंग कैसे कहते हैं रूसी भाषा में, रूसी भाषा में उसको कहते हैं दोब्रे उतरा, दोब्रे उतरा, वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखिए आप दोब्रे उतरा, और इतरा भी सीखेगा जी, दोब्रे उतरा, दोब्रे उतरा। अब इसको याद रखने के लिए एक और मैं आपको चीज कहानी बता देता हूँ कि मैं आज जब सुबह रूम से उतर रहा था तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम तो दो बार उतर गए, तो मैंने कहा नहीं मैं दो बार नहीं उतरा, उन्होंने कहा कि दो बार उतरे तो दोब्रे उतरा, नहीं कहा तुमने, तो ये दोब्रे उतरा रूसी में और हिंदी का आप याद कर लीजिए दो बार उतरा, उससे मिलता जुलता है, तो सेम मीनिंग है, कभी भूल नहीं सकते, क्या तो दोब्रे उतरा आपके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू कह दीजिए, थैंक यू वेरी मच, स्पासिबा, स्पासिबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर छोटे ब्रेक दिए नहीं, दूसरा घंटा बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला, फ्रेंड्स आटा का, बैक टू यू ऑल थ्रो, थैंक यू सो मच सर, एक्सेलेंट, वेरी नाइस।